तो चलिए शुरू करते हैं। वरुण हाफते हुए समय से क्यूटी विला में कहीं नहीं है। मैंने पूरा विला देख लिया लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। समय उसकी बात सुन परेशान होके तो मेरा बच्चा कहा गया। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो यहाँ से कैसे जा सकती है? धुनो उसे मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वरुण हाफते हुए आगे बोला, हमने पूरा विला देख लिया समय, लेकिन क्यूटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। राहुल गाड़ी लेके उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है। समय उसकी बात सुन बाहर की ओर भागा। जानू समय के रास्ते में आके उसे रोकते हुए बोली, जाना आप जानू को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? समय उसे बिना कुछ बोले उसे साइड कर बाहर निकल गया। समय ने आज पहली बार जानू को इस तरह इग्नोर किया था। जानू समय के ऐसे साइन करने से अपनी छोटी आंखों से बाहर जाते हुए देखती रही। वरुण ये देख शोक था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसके लिए भी सबसे जरूरी तापसी को ढूंढना था, ना कि किसी और की फिक्र करना। इसलिए वो भी वहां से समय के पीछे भागा। राहुल पहले ही अपनी जीप लेके विला की राइट साइड निकल चुका था। समय वरुण दूसरी ओर निकल गए। दोनों ही कार काफी रफ्तार में चल रही थी। राहुल के पीछे कुछ कार और थी जो समय के आदमियों की थी। समय वरुण दूसरी साइड कार लेके निकले थे। एक कार में राहुल के साथ एक गादा था तो दूसरी कार में समय खुद ड्राइव कर रहा था। वरुण खिड़की के बाहर तापसी को देखने की कोशिश कर रहा था। समय को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने उसका हाथ छोड़ा, क्यों उसे पकड़कर नहीं रखा? अगर वो उसका हाथ पकड़ के रखता तो उसकी बटरफ्लाई उसके पास होती। समय गुस्से में तेज रफ्तार में ड्राइव करते हुए बार बार स्टीयरिंग पर हाथ मार रहा था। वरुण कार की स्पीड देख थोड़ा डरा हुआ जरूर था लेकिन समय का गुस्सा देख कुछ नहीं कहा। इस वक्त समय की आंखें ब्लड की तरह पूरी लाल हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसे ही चार घंटे बीत गए लेकिन तापसी का कुछ पता नहीं चला। राहुल ने अपने डिपार्टमेंट में भी खबर दे दी जिसे वो लोग भी सरकारी तरीके से तापसी को ढूंढ सके। राहुल शेहा का एसीपी है इसलिए उसके फैमिली मेंबर का गायब होना बड़ी बात है। समय वरुण ने अपने सारे आदमी तापसी को ढूंढने लगा दिए। पूरे अमेरिका में पुलिस और समय के गादोस की कार चलने लगी। हर तरफ तापसी को ढूंढने की कोशिश हो रही थी। इन चार घंटों में समय वरुण राहुल तीनों की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। तीनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। तीनों ने चार घंटों में एक बार भी चैन की सांस नहीं ली थी। राहुल को अपनी बहन की काफी फिक्र हो रही थी। उसके दिमाग में काफी बुरे ख्याल आ रहे थे जैसे कि उसे डर था कि कहीं उसके बायोलॉजिकल पिता उसकी बहन लेना गए हो, वो उनके हाथ ना लग गई हो, वो उसे छीन ना ले, उसे कुछ करना ले, उसकी छोटी थिक हो, उसे कुछ हुआ ना हो। राहुल को बार बार यही बुरे ख्याल आ रहे थे। वो काफी डरा हुआ था। उसने जो शर्ट पहनी थी वो भी पसीने से भीग चुकी थी। समय का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी काफी परेशान था। उसे काफी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल काफी तेज धड़क रखा था। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि वो बाहर तक सुना दे रही थी। उसके पास बैठा वरुण भी उसकी हार्ट बीट सुन सकता था। वरुण खुद भी इस वक्त काफी घबराया हुआ था। उसके दिमाग में भी वही सारे ख्याल चल रहे थे। तापसी की कोई खबर ना मिलने से उनका डर बीतते वक्त के साथ बढ़ रहा था। तीनों की काफी बेचैन थे। दूसरी ओर एक आलीशान बंगले में एक लड़की सोफे पर दरी सहमी बेधी हुई है। उसके सामने एक लड़का बैठा है और उसके पास दो और लड़के बैठे हैं। सामने बैठे लड़के का ओरा बाकी दो से काफी अलग था। वो लड़का लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था। लड़की काफी डरी हुई है और रो रही है। उसके सामने बैठा लड़का उसे रोता देख पानी का ग्लास उसके सामने सरका के बोला, चुप हो जाओ एंज। लड़की उसके मुंह से खुद के लिए एंज सुन रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे दादा के पास जाना है। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? लड़की की आवाज सुन तीनों लड़कों के कानों में जैसे चाशनी सी घुल गई। चारों लड़के पहले ही लड़की को देख उसमें खो चुके थे। ऊपर से उसकी मीठी सी आवाज ने उनके दिल में जैसे शहद घोल दिया। लड़की के सामने बैठा लड़का मन में ब्यूटीफुल एंड स्वीट
साइड में बैठे दो लड़कों में से एक ने अपने दिल पर हाथ रख लड़की को देख कहा चॉकलेट, दूसरा लड़का नहीं व्योम आइसक्रीम। पहला लड़का तुझे कैसे पता तूने टेस्ट किया है व्योम, दूसरा लड़का तूने भी कहा टेस्ट किया है। साइड में बैठे दोनों लड़के जुड़वा है, नाम अव्योम व्योम, उम्र 19 साल, रंग गोरा कली हेयर ब्राउन आइस, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे है, उनके बालों से लेके आंखों के रंग तक सब सेम है। दोनों की बात सुन उनके साइड में बैठा लड़का कोल्ड वॉइस में आवाज ऊंची कर जस्ट सैट अप, दोनों के दोनों चुप हो जाओ। दोनों लड़के उसकी आवाज सुन तुरंत चुप हो गए, दोनों ने अपना सर झुका लिया। लड़की जो अभी अभी थोड़ी चुप हुई थी लड़के के ऐसे चिल्लाने से फिर से रोने लगी। लड़की को फिर से रोता देख लड़का अपने सर के पीछे हाथ फेर कोल्ड टोन में, मैंने एक बार कहा चुप हो जाओ फिर क्यों रो रही हो, मुझे बातें रिपीट करना पसंद नहीं। लड़की रोते हुए बोली आप कितने गंदे हो, ये दोनों मुझे चॉकलेट आइसक्रीम देने की बात कर रहे थे और आपने इन पर गुस्सा किया, आप गंदे हो गंदे हो गंदे हो। लड़की की बात सुन व्योम व्योम उसके साइड जाके बैठ के बोला हा हा भाई बेबी गर्ल बिल्कुल सही बोल रही है, हम तो इसे चॉकलेट आइसक्रीम देने की बात कर रहे थे और आपने हम पर गुस्सा किया, आप सच में गंदे हो। लड़की रोते हुए बोली आप कितने गंदे हो, ये दोनों मुझे चॉकलेट आइसक्रीम देने की बात कर रहे थे और आपने इन पर गुस्सा किया, आप गंदे हो गंदे हो गंदे हो। लड़की की बात सुन व्योम व्योम उसके साइड जाके बैठ के बोला हा हा भाई बेबी गर्ल बिल्कुल सही बोल रही है, हम तो इसे चॉकलेट आइसक्रीम देने की बात कर रहे थे और आपने हम पर गुस्सा किया, आप सच में गंदे हो। लड़की दोनों को अपने पास देख बोली ये गंदे अंकल आपके भाई है। लड़की के मुंह से अंकल सुन लड़का उसे बुरी तरह घुने लगा, वही अव्योम व्योम अपने भाई के लिए अंकल सुन जोर जोर से हंसने लगे। लड़की दोनों को हंसता देख कंफ्यूज होके अपने बालों से खेलते हुए बोली आप दोनों हंस क्यों रहे हो, अव्योम अपना पेट पकड़ हंसते हुए बोला तुमने अभी क्या कहा। लड़की मासूमियत से ना समझी में मैंने क्या कहा, व्योम हंसते हुए सोफे पर लोटपोट होके तुमने भाई को क्या बुलाया। लड़की लड़के को देख अंकल, फिर से उसके मुंह से अंकल सुन दोनों और तेज हंसने लगे, दोनों ये भूल ही गए कि वो कहा है और किसके सामने है। लड़का अपने दोनों छोटे भाई को घूर के तेज आवाज में हंसना बंद करो दोनों चुप हो जाओ। लड़के की आवाज इतनी तेज थी कि लड़की डर से व्योम के पीछे छुप गई, दोनों भाई की हंसी रुक गई। अव्योम व्योम ने जब लड़की को डरा हुआ देखा तो दोनों भाई लड़की के आगे आके खड़े हो गए, लड़की डरी सहमी अव्योम के पीछे छुपी हुई थी। अव्योम अपने भाई के सामने सर झुका के अविरन भाई प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए बेबी गर्ल डर रही है। व्योम ने कहा हा भाई आप बेबी गर्ल को डरा रहे हो, वो आपको जानती नहीं है इसलिए आपको अंकल बोल रही है। अविरन लड़की को डरा से हिमा देख अपनी आवाज स्लो कर एंज यहाँ आओ। लड़की अव्योम के पीछे छुपे हुए ना में सर हिला के बोली नहीं आओगी आप मुझे मारोगे। अविरन उसकी बात सुन हैरान होके मैं क्यों मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। लड़की अविरन की घर छोड़ने वाली बात सुन अव्योम का सट कसके पक बोली मुझे घर नहीं जाना। अविरन उसकी बात सुन आंखें छोटी कर क्यों नहीं जाना, तुम अभी तो कह रही थी तुम्हें अपने दादा के पास जाना है, अव्योम व्योम ने बीच में बोले। अव्योम भाई वो नहीं जाना चाहती तो क्यों भेज रहे हो, व्योम भाई मत भेजो बेबी गर्ल को, वो नहीं जाना चाहती। लड़की दोनों की बात सुन हा हा मुझे मत भेजो, वहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब गंदे है, दादा भी उनकी बात सुनते हैं। अविरन लड़की की बात सुन तुम्हारे दादा परेशान हो गए, घर चलो। व्योम बच्चों की तरह अविरन के पैरों में गिर उसके लेफ्ट पैर से लिपट के बोला भाई बेबी गर्ल को मत भेजो प्लीज, वी नहीं जाना चाहती। अव्योम दूसरे पैर को पकड़ भाई उसे हमारे साथ रहने दो ना, हम आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ ऐसे एक चीज दे दो, इसे यहाँ रहने दो। व्योम हा भाई मुझे कोई कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसे हमारे साथ रहने दो। अव्योम भाई हम दोनों आपकी सारी बात मानेंगे, जिदी नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्लीज इसे मत भेजो, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, प्लीज बेबी गर्ल को मत भेजो।
लड़की दोनों को देख वो भी अविरन के पैरों को पक बोली, प्लीज मुझे मत भेजो, मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी आपकी, सारी बात मानुई, प्लीज प्लीज मुझे मत भेजो। अविरन तीनों की हरकत देख अपने पैर छुराने की कोशिश करते हुए बोला, अव्योम व्योम मेरे पैरों छोड़ो, पहले आप बोलो आप बेबी गर्ल को कहीं नहीं भेजोगे तब हम पैर छोड़ेंगे, व्योम ने जिदी बच्चे की तरह कहा। अव्योम, हाँ भाई पहले आप वादा करो आप इसे हमारे साथ रहने दोगे। लड़की भी उन दोनों की तरह जिद कर, आप पहले प्रोमिश कर आप मुझे घर नहीं भेजोगे तब हम आपके पैर छोड़ेंगे। अविरन अपने पैरों से लिपटे तीनों को देख अपना सर ना में हिला के, ठीक है मैं इसे नहीं भेजूंगा, अब मेरे पैर छोड़ो। अव्योम व्योम लड़की एक साथ अविरन को देख प्रोमिश, अविरन तीनों को देख गहरी सांस लेके प्रोमिश, तीनों अविरन के प्रोमिश करते ही खुशी से उछल पड़े, अव्योम व्योम दासम करने लगे। लड़की दोनों को देख जोर जोर से ताली बजा के खुश हो गई। अविरन लड़की के चेहरे की स्माइल देख उसमें कहीं खोसा गया। अव्योम व्योम लड़की के हाथ पकड़ उसे लेके सोफे पर बैठ गए, दोनों उसे बातें करने लगे। लड़की भी अब शांत हो चुकी थी, वो भी उन दोनों की बातों का अच्छे से जवाब दे रही थी। अविरन लड़की की मासूमियत देख उसमें कहीं खोसा गया। अविरन लड़की को ऐसे ही देखते हुए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे हाँ हम दोनों ने तो तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, अव्योम व्योम ने एक साथ कहा। लड़की अपनी झीलसी आंखों से अविरन को देख धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम तापसी वमौ है। अव्योम व्योम अपने दिल पर हाथ रख, हाय कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल शहीद जैसा। व्योम खुद को इंट्रोड्यूस करके, मेरा नाम व्योम ओबोरोय, ये मेरे बड़े भाई अविरन ओबोरोय और ये मेरा ट्विंस भाई अव्योम ओबोरोय, हम तीनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, हम तीनों एक दूसरे की दुनिया है। तापसी तीनों का नाम सुन स्माइल करने लगी। अविरन तापसी को देखते हुए, तुम इतनी रात को रास्ते पर क्या कर रही थी, वो भी ऐसी हालत में? दरअसल तापसी अविरन को बीच रास्ते पर बेहोशी की हालत में मिली थी। तापसी समय के करीब दूसरी लड़की को देख बिना कुछ बोले वहां से भाग आई। विला के सारे गाद जानू के विला आने से परेशान थे, इसलिए उनकी नजर तापसी पर नहीं गई। वो वहां से निकल सुनसान रास्ते पर रोते हुए चल रही थी। आसपास कुछ गिने चुने लोग आते जाते उसे देख रहे थे। तापसी बिना किसी पर ध्यान दिए बस रोते हुए चल रही थी। चलते चलते वो दो तीन बार गिरी भी थी, जिसे उसे हाथ पैर में छोटी सी चोट आई थी। समय राहुल ने उसे कभी ज्यादा चलने नहीं दिया, जिसे वो थोड़े कदम चल के थक जाती। वो पहली बार इतनी देर तक चली थी, उसके पैर भी अब तक जवाब दे चुके थे। दरअसल तापसी अविरन को बीच रास्ते पर बेहोशी की हालत में मिली थी। तापसी समय के करीब दूसरी लड़की को देख बिना कुछ बोले वहां से भाग आई। विला के सारे गाद जानू के विला आने से परेशान थे, इसलिए उनकी नजर तापसी पर नहीं गई। वो वहां से निकल सुनसान रास्ते पर रोते हुए चल रही थी। आसपास कुछ गिने चुने लोग आते जाते उसे देख रहे थे। तापसी बिना किसी पर ध्यान दिए बस रोते हुए चल रही थी। चलते चलते वो दो तीन बार गिरी भी थी, जिसे उसे हाथ पैर में छोटी सी चोट आई थी। समय राहुल ने उसे कभी ज्यादा चलने नहीं दिया, जिसे वो थोड़े कदम चल के थक जाती। वो पहली बार इतनी देर तक चली थी, उसके पैर भी अब तक जवाब दे चुके थे। शाम से कुछ खाया नहीं था, जिसे उसे चक्कर भी रहे थे। वो कुछ कदम और चल पाती, उसे पहले वो चक्कर आ गए और वो बेहोश होके नीचे गिरी। उसी वक्त वहां से अविरन की कार गूंज रही थी। अविरन ने जब रास्ते पर किसी लड़की को बेहोश देखा तो उसने उसे उठा के अपने साथ विला ले आया। अव्योम व्योम अपने भाई की गोद में पहली बार किसी लड़की को देख हैरान थे। अव्योम व्योम भी तापसी को उस हालत में देख काफी शोकत थे। उनको भी उसके चेहरे को देख बुरा लगा था। दोनों ही ये बात जानना चाहते थे कि तापसी उस हालत में क्यों थी। अविरन का सवाल सुन तापसी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तापसी को फिर से रोता देख तीनों लड़के परेशान हो गए। अव्योम उसे रोता देख उसके आंसू पोंछ के बोला, नहीं बेबी गर्ल प्लीज मत रो, हमें कुछ नहीं जानना, हम कुछ नहीं पूछेंगे, प्लीज तुम चुप हो जाओ, रो मत। व्योम परेशान होके उसके सर पर हाथ फेर, बेबी गर्ल प्लीज रो मत भाई, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, प्लीज बेबी गर्ल चुप हो जाओ।
अविरन को भी उसका रोना अच्छा नहीं लगा। उसे रोते देख उसे भी बुरा लगा। उसने अपनी आवाज जितनी हो सके उतनी सॉफ्ट रख कहा, चुप हो जाओ कोयल, तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा जब तक तुम खुद नहीं चाहती। हम में से कोयल तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम्हारी मर्जी के बिना कोयल तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। तापसी अविरन की बात सुन अपनी भीगी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझे वहाँ मत भेजो, वो बहुत बुरा है। मुझे उसके पास नहीं जाना, उसने मुझे छोड़ दिया। उसके पास दूसरी लड़की है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। मुझे मत भेजो वहाँ, उनको साथ देख मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। तापसी दिल पर उंगली दिखा के बोली, बहुत रोना आता है मुझे, फिर से नहीं रोना। मुझे वहाँ मत भेजो, मैं आपकी सारी बात मानवी अच्छी लड़की बनके रहूंगी, प्लीज मत भेजो। अविरन उसकी बात सुन अपना सरहा में हिला के अपनी जेब से रुमाल निकाल उसके सामने रख के कहा, ठीक है मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेजेगू, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, चाहो तो मेरे भाइयों के साथ कॉलेज भी जा सकती हो, जाना चाहोगी कॉलेज। तापसी कॉलेज वाली बात सुन उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई, उसका रोना बंद हो गया। वो अपनी झीलसी आंखों से अविरत को देख पूछने लगी, क्या सच्ची में फिर से कॉलेज जाओगी, तुम मुझे रोकोगे नहीं, मैं फिर से पढ़ाई पूरी कर पाओगी, बोलो ना, क्या मैं फिर से कॉलेज जा पाओगी, बोलो ना। तुम चुप क्यों हो गए अव्योम व्योम, उसे कॉलेज जैसी बात पर इतना खुश होते देख दोनों ने मुंह बना लिया। अविरन अपने बेदी छोटी सी लड़की को पढ़ाई जैसी छोटी बात पर इतना खुश देख हैरान था। उसके दोनों भाई पढ़ाई के नाम से हमेशा दूर भागते थे, लेकिन ये लड़की पढ़ाई करने की बात तक से मुस्कुरा उठी। उसके मुस्कुराते चेहरे को देख अविरन के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई, जिसे उसने एक पल में छुपा लिया। अविरन अव्योम व्योम को देख, इंडिया जाने की तैयारी करो, हम तुरंत इंडिया के लिए निकलेंगे व्योम, लेकिन भाई हमें कुछ और दिन यहाँ रुकना है, प्लीज भाई हम कुछ दिन यहाँ रहते हैं फिर इंडिया चले जाएंगे। अव्योम व्योम की बात पर सर हिला के, हाँ भाई व्योम सही कह रहा, हमें कुछ और दिन यहाँ रहने दो ना, वैसे भी कॉलेज की दो वीक की छुट्टी है और आपका भी काम यहाँ बाकी है, प्लीज भाई कुछ दिन यहाँ रहने दो व्योम। भाई हम आपके साथ इसलिए तो यहाँ आए थे कि आप यहाँ काम करोगे और हम अच्छे से यहाँ घूम पाएगा, वैसे भी मुंबई में आप हमें कहीं जाने नहीं देते। तापसी यहाँ से जाने वाली बात सुन अविरन अव्योम व्योम को देखने लगी। अव्योम व्योम को बच्चों जैसे जिद करते देखो हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज पूरे विला में गूंज उठी। उसकी खील खिलाती हंसी सुन अविरन अव्योम व्योम तीनों की नजरें तापसी पर चली गई। तापसी अव्योम व्योम को देख खुल के हंस रही थी। तापसी दोनों को उंगली दिखा के जोर जोर से हंस रही थी। अव्योम व्योम उसे हंसता देख कंफ्यूज होके दोनों एक साथ अपने बालों में हाथ घुमा के बोले, बेबी गर्ल तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। तापसी हंसते हुए बोली, आप दोनों कितने क्यूट हो, अपने भाई को मनाने के लिए कैसे बच्चों जैसे उनसे बात कर रहे हो, ऐसे तो मैं भी नहीं करती, मेरे दादा अगर मुझे एक बार कुछ बोलते तो मैं उनकी बात मान जाती। अव्योम व्योम उसकी बात सुन बुरा सा मुंह बना लिया। अविरन दोनों के सर पर हाथ रख कुछ सीखो, ये तुम दोनों जीतनी ही है, लेकिन तुम दोनों से समझदार है, अब जाके मुंबई जाने की तैयारी करो। अगर तुम चाहते हो कि बेबी गर्ल तुम्हारे पास रहे तो इसे यहाँ से लेके जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना अपनी बेबी गर्ल को भूल जाओ। अव्योम व्योम अविरन की बात सुन एक साथ बोले, नहीं भाई हम उसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे, हम अभी तैयार होके आते, आप चोपा को ऊपर बुलाओ, हम यहाँ से एयरपोर्ट बाय कार नहीं बाय चोपा जाएंगे। अव्योम व्योम भागते हुए ऊपर जाते हुए बोले, बेबी गर्ल तुम यहीं रुको, हम अभी तैयार होके आते हैं। सुबह के 6 बज चुके थे। समय वरुण राहुल अभी भी तापसी को धुन रहे थे। तीनों ने पूरी रात उसे धुनने में निकाल दी, ना ही तीनों ने कार रुकी, ना ही कुछ खाया पिया। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक तापसी का कुछ पता नहीं चला था। समय की हालत बीतते वक्त के साथ बुरी हो रही थी। उसे अंदर से काफी बेचैनी हो रही थी, जैसे तापसी उसे बहुत दूर जा रही हो। समय वरुण राहुल अभी भी तापसी को धुन रहे थे। तीनों ने पूरी रात उसे धुनने में निकाल दी, ना ही तीनों ने कार
रोकी ना ही कुछ खाया पिया समय को। इस बीच एक बार भी जानू का ख्याल नहीं आया। जानू ने समय को 100 से ऊपर कॉल कर लिए थे, लेकिन समय ने उसके सारे कॉल को इग्नोर कर दिया। इस वक्त समय तापसी के दूर जाने का जिम्मेदार जानू को मान रहा है। तीनों लड़कों की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। समय की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, उसकी आंखें ब्लड की तरह रेत थी। बाल बिखरे हुए शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे। वरुण को समय की हालत देख काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद डरा हुआ था। उसे भी तापसी की उतनी ही फिक्र हो रही थी जितनी समय राहुल को। राहुल और उसकी पुलिस फोर्स पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी, लेकिन अभी तक उनको तापसी का कुछ पता नहीं चला। समय के आदमियों ने भी आधा शहर छान लिया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। सबके हाथों में तापसी की फोटो थी। सब रात से सुबह तक उसे ढूंढ रहे थे। समय की कार एक पहाड़ी पर आके रुकी। समय गुस्से में कार से बाहर निकल पहाड़ी की टोच पर जाके जोर से चिल्लाया। बटरफ्लाई उसकी दर्द से भरी गुस्से वाली चिक पहाड़ों से टकरा के आसपास के माहौल में गूंज उठी। उसकी आवाज से पेड़ पर सोए हुए पंछी उड़े। समय तापसी का नाम दोहर के वही अपने घुटनों पर बैठ गया। वरुण समय के पास आके उसके कंधे पर हाथ रख खुद को संभाल। समय क्यूटी जल्दी मिल जाएगी, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, प्लीज तू खुद को संभाल। समय अपनी लाल आंखों से पहाड़ को देख गुस्से में अपने हाथ जमीन पर मार के कैसे संभालू, कैसे मैंने अपने बच्चे को फिर से खो दिया, मैंने उसे फिर से खो दिया। 13 साल बाद वो मुझे मिली थी, 13 साल बाद और मैंने क्या किया, उसे 13 दिन भी नहीं संभाल पाया। मैंने उसे अभी प्यार करना शुरू किया था, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना शुरू किया था, और वो मुझसे फिर से दूर चली गई। समय इतना बोल रो पड़ा। समय ने आगे कहा, मैंने अपने इन हाथों से उसका हाथ छोड़ा, उसे खुद से दूर जाने दिया। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। समय अपने हाथ को गुस्से में जोर जोर से जमीन पर मार रहा था, जिसके कारण उसके हाथ से खून निकलने लगा। वरुण उसके हाथ को पकड़, ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू खुद को दोष देना बंद कर। उस वक्त हालत ही कुछ ऐसे हो चुके थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हम में से कोई क्यूटी से बात कर पाता, उसे पहले वो चली गई। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था क्यूटी को जानू के बारे में बता दे, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। समय ने जैसे वरुण की बात सुनी ही ना हो, वो अपने में ही बड़बड़ा रहा था, अगर मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता तो वो मेरे पास होती, मेरे करीब होती, मैं उसे प्यार कर रहा होता, वो इस वक्त मेरी बाहों में खरगोश के बच्चे की तरह सुकून से रही होती, और मैं उसके मासूम चेहरे को देख रहा होता। वरुण समय की ऐसी हालत देख हैरान था, उसने कभी समय को ऐसी हालत में नहीं देखा। उसने आज तक कभी समय को रोते हिम्मत हारते नहीं देखा, उसने हमेशा समय को एक स्ट्रोंग पर्सनालिटी के साथ देखा है, लोगों रुलाते देखा है, सब पर राज करते देखा है, ऐसे हालत में कभी नहीं देखा। आज उसे समय के लिए डर लग रहा था। समय वरुण का हाथ पकड़ उसके आगे रोते हुए बोला, वरुण तू तो मेरा दोस्त है, तू बचपन मेरे साथ है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है, प्लीज वरुण उसे धुंधला, प्लीज मुझे मेरा बच्चा लादे, में उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज वरुण मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मेरी बटरफ्लाई लादे, तू जो मांगेगा दूंगा, सिर्फ है मुझे मेरी बटरफ्लाई ला दे। वरुण समय की बाजू पकड़ उसे हिलाते हुए चिल्ला के बोला, समय 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 मेरे यार, होश में आ प्लीज, होश में आ, ये वक्त ऐसे हिम्मत हारने का रोने का नहीं है, तुझे अपनी बटरफ्लाई को ढूंढना है, उसे अपने पास लाना है, तो ये समय नहीं समय मल्होत्रा बनना होगा, तुझे SM बनना होगा, अपने अंदर के SM को निकाल, अब वही है जो क्यूटी को ढूंढ सकता है। हमने सही तरीके से सब कुछ करके देख लिया, अब हमें उंगली टेढ़ी करनी होगी, अब हमारे पास उस रास्ते को चुनने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, प्लीज होश में अपनी बटरफ्लाई के लिए होश में आ। वरुण समय का चेहरा हाथ में पकड़ देख, समय मेरी बात ध्यान से सुन, अगर अब तक क्यूटी का पता चलना होता तो कब का चल चुका होता, पूरी रात बीत चुकी है, समय हमने हर रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन क्यूटी का कुछ पता नहीं चला
हमारे सारे आदमी पूरे अमेरिका के फेले हुए हैं, उनको क्यूटी का कुछ पता नहीं चला, हमारे आदमियों का किसी को ढूंढना इतना मुश्किल आज से पहले कभी नहीं हुआ जितना इस बार क्यूटी का पता लगाने में हो रहा है। अमेरिका की पुलिस तक हमारे साथ है लेकिन हमें क्यूटी का कुछ पता नहीं चला। अगर हमें अब तक उस पता नहीं चला तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हो सकता है हमारी क्यूटी किसी मुसीबत में हो सकता है वो हमारे किसी राइवल के हाथ लग चुकी हो या फिर उसका वो बाप उसे लेके जा चुका हो। इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुझे होश में रहना होगा, फिर से समय मल्होत्रा बनना होगा, वो समय मल्होत्रा जो तापसी के आने से पहले था, जिसका दिमाग किसी गेम से तेज चलता था, उस एसएम को वापिस ला, क्यूटी को ढूंढ, उसे वापिस ला, इसे पहले देर हो जाए। वरुण की सारी बातें देसे समय पर असर करने लगी। समय ने अपने हाथों की मुट्ठी कसली। वरुण समय में आ रहे बदलाव को देख राहत की सांस महसूस की। उसे समय की आंखों में पहले वाला समय दिखने लगा। समय अपने आंसू साफ कर खड़ा होके अपनी वॉच में टाइम देख, लेट्स गो, काफी टाइम वेस्ट हो गया, मेरे जीन का टाइम हो गया, पूरी रात वैसे भी वेस्ट हो गई। वरुण उसके मुंह से जीन सुन हैरानी से आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए, वोट तुझे अभी जीन जाना है। समय अपने कपड़े सही कर कार के पास जाते हुए, मुझे मेरे शेड्यूल में चेंजेस पसंद नहीं, लेट्स गो, वरना में तुम्हें यही छोड़ के चला जाऊंगा, फिर बोलना मत मैंने तुझे बताया नहीं। वरुण उसके पीछे भागते हुए, ओए मैंने तुझे एसएम बनने को कहा था ना कि क्यूटी को भूलने को, वो कल से गायब है, तुझे कुछ याद भी है या नहीं? समय कार में बैठ कार स्टार्ट कर, वो खुद अपनी मर्जी से गई है, अगर उसे आना होगा तो खुद अपनी मर्जी से आएगी, अब मेरे पास ओए वक्त नहीं है उसके पीछे वेस्ट करने को। वरुण समय की बात सुन आंखें फाड़े उसे देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो समय कुछ देर पहले तापसी के जाने पर तुता हुआ था, रो रहा था, खुद को गिल्टी मान रहा था, पूरी रात पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, वो एक पल में बदल जाएगा और ऐसी बातें करेगा। दूसरी ओर वीरन ने तापसी के बारे में सारी बात पता लगा ली थी। तापसी कौन है, कहां से है, उसका समय मल्होत्रा से क्या रिश्ता है, वो सारी बात जान के वीरन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसकी स्माइल के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था। अविरन का असिस्टेंट रवि अपने बॉस की स्माइल देख कंफ्यूज होके बोला, सर आप स्माइल क्यों कर रहे हो, आपको तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहिए, उस लड़की को उसके पास भेज देना चाहिए, ना रहेगा बांसना बजेगी बांसुरी, आपको लड़की को जल्द से उसके पास भेज देना चाहिए, वैसे भी पूरे शहर में उसके आदमी उसे ढूंढ रहे है, हम यहाँ उसे बिजनेस डील करने आए हैं ना कि कोई लड़ाई, वो आदमी वैसे भी संकी है, पागल है, उसमें दिमाग नहीं है, काफी डेंजरस है। अविरन उसकी बात सुन फोन को अपनी उंगली उसे गोल गोल घुमा के, आदमी चाहे कितना ही संकी, पागल, खतरनाक, डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है जिसे कुछ लोग मिटाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग सबको बता के चलते हैं। हम जैसे बेदिल देविल की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है जिसे हम दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी को हमारी कमजोरी का पता चले और वो हमारे कमजोरी पर वार करे, हमें खत्म करने के लिए दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करें। रवि अविरन की बात ना समझ के अपने सर पर हाथ से, यह कमजोरी, लेकिन उसकी कमजोरी क्या है, अविरन तिरछी स्माइल कर बोला, प्यार। रवि और कंफ्यूज होके, प्यार कैसे, मैंने सुना है प्यार इंसान की ताकत होता है। अविरन अपनी जगह से खड़ा होके अपनी फिंगर रिंग को गोल गोल घुमा के बोला, प्यार प्यार प्यार, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती, ये एक छोटा सा वध है लेकिन उसका असर उतना ही खतरनाक है, उसका असर हजारों एटम बोम से भी ज्यादा खतरनाक है, ये ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे आदमी को कमजोर बना देती है, हर एक आदमी कमजोर करी उसका दिल होता है, जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तब तक हम सबसे सेफ है, लेकिन जींस दिन ये किसी और के लिए धक्का, उस दिन से हमारी जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत होती। तुमने वो कहानी या नहीं सुनी जिसमें पटके आदमी अपनी सोच समझने की शक्ति खो के अपनी बर्बादी को गले लगाते हैं,
रवि अपना सर खुजा के कौन सी कहानी बोस में कभी कहानी नहीं सुनता। विरन उसकी बात पर छोटी सी स्माइल कर जेब से सिगरेट निकाल बोला, गुड सुननी भी नहीं चाहिए आजकल के लोग। उसे प्यार की अमर कहानियां कहते हैं जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं। लोगों ऐसी कहानी को सच समझ के अपनी जिंदगी में प्यार मांगते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक बर्बादी की कहानी है जिसमें अच्छे खासे आदमी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुई है। मेरे लिए ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। रवि अविरन की बात सुन अपना सर हा में हिला के अमम, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये प्यार नाम की बीमारी से दूर रहना चाहिए, मैं कभी इस प्यार जैसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगा। सर अब आगे क्या करना है, उस लड़की के बारे में उसे बताना है या नहीं, या फिर आप अपना काम छोड़ के वापिस जाने वाले हो। अविरन खिड़की के पास खड़ा होके सिगरेट की कष्ट लेके बोला, बिल्कुल नहीं जींस, काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो काम करके ही जाऊंगा। अविरन खिड़की के पास खड़ा होके सिगरेट की कष्ट लेके बोला, बिल्कुल नहीं जींस, काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो काम करके ही जाऊंगा। तुम व्योम व्योम के साथ उसे यहाँ से इंडिया ले जाओ, मैं कल तक आ जाऊंगा, और एक काम जाने से पहले कर दो, मेरी मिस्टर मल्होत्रा के साथ मीटिंग फिक्स करो, और अगर वो मना करे तो उनको मेरा एक मैसेज दे देना, साथ ही इंडिया पहुंचने के बाद उस लड़की की सेफ्टी टाइट रखना। रवि अविरन की बात सुनहा में सर हिला के वहां से चला गया। रवि के कमरे से जाने के कुछ देर बाद तापसी अविरन के रूम के बाहर आके नोक किया। अविरन ने बिना पीछे मुड़े अंदर आने कहा, उसे लगा रवि होगा क्योंकि एक वही था जो अविरन के रूम में आने से पहले नोक करता था। क्योंकि उसके दोनों भाई में ऐसी कोई आदत नहीं थी, उन दोनों का जब मन करता जहां मन करता वो बिना नोक किए आ जाते। अविरन के रूम में ही नहीं, उसके ऑफिस में भी वो दोनों ऐसा ही करते, वो बिना नोक किए आ जाते। अविरन कितनी ही जरूरी मीटिंग में क्यों ना हो, लो किसी बात की परवाह नहीं करते। उनकी हरकतों से कई बार अविरन भी परेशान हुआ है, लेकिन वो अपने भाइयों को इतना प्यार करता है कि उनकी सारी हरकत नादानी समझ के जाने देता। अविरन बिना पीछे देखे क्या बात है, रवि कुछ काम था, उसके पूछने पर भी जब किसी की आवाज नहीं आया तो अविरन को थोड़ा अजीब लगा। अविरन को सिगरेट की स्मेल भी एक हल्की हल्की लेवन की खुशबू आ रही थी, जिसे कमरे में अलग ताजगी का एहसास हो रहा था। अविरन ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट साइड प्लेट में बुझा के जब पीछे मुड़ा तो उसके सामने तापसी सर झुका के अपने बालों से खेलते हुए खड़ी थी। तापसी अभी सावर लेके आई थी जिसे उसके बाल अभी भी गीले थे, जिसमें से पानी टपकर रहा था। तापसी ने इस वक्त अविरन ने मंगवाई हुई लाइट येलो कलर का सूट सहना था, जिसमें वो किसी खिलते हुए फूल की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी उसके गाल हल्के लाल गुलाबी थे जो होंठ सावर लेने से हुए थे। अविरन एक पल के लिए तापसी की खूबसूरती उसकी मासूमियत में कहीं खोसा गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दिमाग को झटक के तापसी को देख बिना किसी एक प्रहसन बोला, तुम यहाँ कुछ काम था। तापसी अविरन की बात सुन अपना राइट हैंड आगे करके धीमी आवाज में सर झुका के बोली, माँ मुझे चोट लग गई। अविरन के कानों पर जैसे ही उसकी मीठी सी आवाज गई, वो फिर से तापसी की मासूमियत में खोने लगा। लेकिन उसने जब सुना कि उसने क्या कहा तो वो उसके लिए परेशान हो गया। वो तापसी का हाथ पकड़ उसे देख लगा जो हल्का लाल हो चुका था। अविरन उसकी चोट देख हल्का गुस्सा करके, ये कैसे लगी, वह गोद ये कितना लाल हो गया है, ये कैसे लगा ली, ध्यान कहा था तुम्हारा, सच में छोटी बच्ची हो जिसे एक पल के लिए दूर करो तो खुद को चोट लगा लेती है, यहाँ आओ बैठो यहाँ। अविरन उसे सोफे पर बिठा के कहा, वो तुरंत जाके कबर्ड में से मेडिकल बॉक्स निकाल उसके पास बैठ के उसके हाथ को ध्यान से देखते हुए बोला, देखो कितनी चोट लगा ली तुमने, कैसी लटकी हो तुम, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकती, कितना रेड हो चुका है। अविरन ने उसकी फिक्र में गलती से उसके चोट लगे हाथ को थोड़ा कसके पकड़ लिया था, जिसे तापसी को काफी दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ चुके थे। तापसी एक दो बार उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अविरन ने नहीं छोड़ा, उसने और कसके उसका
हाथ पकड़ लिया जिसे वो तुरंत रोने पड़ी। उसके रोने आवाज सुन अविरन को एहसास हुआ कि वो अभी फिर से रूढ़ हो चुका था। उसने जब देखा कि उसने काफी कसके उसका हाथ पकड़ा है तब जाके उसे एहसास हुआ। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ उसे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं रहा, तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। तापसी डॉक्टर का नाम सुन और तेज रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन व्योम व्योम जो अभी अभी कमरे से निकले थे उसके रोने की आवाज सुन भागते हुए अविरन के रूम में आ गए। अव्योम तापसी को रोता देख उसके पास भाग के आके उसे गले से लगा के अविरन को देख बोला, क्या भाई आप फिर से इसे रुला दिया, आप क्यों इसे रुलाते हो। व्योम अविरन को उठा के तापसी के पास बैठ उसके गालों से आंसू साफ कर बोला, भाई आप क्यों इस मासूम बच्ची को रुलाते रहते हो, देखो भाई ये कितनी प्यारी है, ये तो कोई गलती भी नहीं कर सकती, आप बार बार इस पर गुस्सा मत किया करो, अगर इसने कुछ किया हो तो हमें बता दो, लेकिन आप इस पर गुस्सा मत करो। अव्योम, हाँ भाई आप चाहो तो हम पर गुस्सा कर लेना, लेकिन हमारी बेबी गर्ल को कुछ मत बोलना, हम उसे रोता नहीं देख सकते। अविरन अपने दोनों भाई की बात सुन हैरानी से उनको देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके सगे भाई अभी की आई हुई लड़की के लिए उसे लड़ रहे हैं। तापसी अव्योम के सिने से अलग होके रुआसी आवाज में बोली, आप दोनों इनको क्यों दांत रहे हो, इन्होंने मुझे नहीं दाता, ना ही मैं इनके कारण रो रही हूँ। अव्योम व्योम उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखते हुए, तो तुम रो क्यों रही हो। अविरन ने व्योम को बाजू से पकड़ उठा के वापिस तापसी के पास बैठके उसके चोट लगे हाथ को हल्के से पकड़ के कहा, क्यों कि तुम्हारी बेबी गर्ल को चोट लगी है और वो मेरे पास रोते हुए आई थी, देख लो अगर यकीन ना हो तो। दोनों तापसी के हाथ में लगी चोट देख सोकत हो गए। अव्योम उसका हाथ पकड़ हैरानी से, ये कैसे लगी। व्योम चोट पर उंगली से टच कर परेशानी भरी आवाज में, बेबी ये क्या हो गया, ये कैसे लग गई आपको। व्योम के ऐसे टच करने से उसकी आह निकल गई। तापसी, आह दर्द हो रहा है। अविरन उसकी दर्द भरी आह सुन अव्योम के हाथ से उसके हाथ को वापिस अपने हाथ में लेके उस पर स्प्रे मार हल्के हाथों से वह मालिश करते हुए बोला, मैं भी कब से यही पूछ रहा हूँ कि कैसे लगी। अव्योम तापसी की चोट को ध्यान से देख अविरन से बोला, भाई आराम से करो, बेबी गर्ल को दर्द हो रहा है, और बेबी गर्ल ये चोट कैसे लगी, किसी तुम्हें हार्म किया। व्योम अपने भाई की बात सुन तापसी का चेहरा हाथों में भर, किसने हमारी बेबी गर्ल को हार्म किया, बोलो हम उसकी जान ले लेंगे, उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसको चलने लायक नहीं छोड़ेंगे, एक बार उसका नाम बोलो। व्योम के मुंह से जान लेने वाली बात सुन तापसी घबरा गई। उसके शरीर में डर की एक लहसी दौड़ गई, उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसे व्योम की आंखों में गुस्से के साथ कुछ अलग अजीब सा दिखा, जिसे उसका डर और बढ़ गया। अविरन को उसका कांपना महसूस हो गया। व्योम की बातों से उसे घबराए देख उसने उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए कहा, एंज तुमने बताया नहीं ये चोट कैसे लगी, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। अविरन ने डॉक्टर वाली बात जानबूझ के कही थी जिसे वो तापसी का ध्यान व्योम की बातों से हटा सके, और उसने हटा भी लिया। तापसी डॉक्टर का नाम सुन तुरंत अपना सर ना में हिला के डरते हुए बोली, नहीं नहीं आप डॉक्टर को मत बुलाना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, प्लीज डॉक्टर को मत बुलाना। अविरन उसे शांत करते हुए, ठीक है काम डाउन डरो मत, मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तापसी हकलाती हुए आवाज में बोली, वो हम बाथरूम में गिर गए, उसने इतना ही कहा था कि तीनों लड़के सोकद होके एक साथ चिल्लाए गया। अविरन आंखें छोटी कर, तुम बाथरूम में गिरी लेकिन कैसे। तापसी तीनों के इस तरह चिल्लाने से अपना सर झुका लिया। उसने हकलाते हुए कहा, वो हमें गीले फंसे पर चलना नहीं आता, जब हम बाथटब से बाहर निकले तो हम खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गए और हाथ में चोट लग गई। अविरन उसकी बात सुन उसके दूसरे हाथ पैरों को चेक करते हुए परेशानी भरी आवाज में बोला, कहीं और तो नहीं लगी। तापसी नामे सर हिला के, नहीं सिफे यहाँ लगी है, बहुत दर्द हो रहा है।
अविरन उसकी कही और ना लगने वाली बात सुन राहत की सांस ली। तापसी को दर्द में देख आज पहली बार था जब उसे किसी के लिए दर्द हो रहा था। अव्योम व्योम तापसी के गिरने वाली बात सुन एक दूसरे को देखने लगे। अव्योम व्योम की ओर देख मुझे लगता है हमारे मुंबई वाले विला में बेबी गर्ल के रूम से लेके बाथरूम तक पूरे फसे पर मखमली कालीन लगा देनी चाहिए। व्योम उसकी बात पर हाँ में सर हिला के कुछ सोच के बोला अव्योम मेरे ख्याल से पूरे विला के फसे पर बिछवा देनी चाहिए। अगर बेबी गर्ल गलती से हॉल में या किचन में या फिर सीढ़ियों से गिरी तो। अव्योम उसकी बात पर अरे हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों अविरन को देख अव्योम ने कहा अविरन भाई आप एक काम करो हमारे पूरे विला के फसे पर कालीन बिछवा दो आप। रवि अभी बोल दो वो हमारे वहां पहुंचने से पहले करवा देगा। अविरन अपने दोनों भाई की बेवकूफी भरी बात सुन शोक हो गया। वो अपने दोनों भाई को ऐसे देखने लगा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। दूसरी ओर समय विला जाके तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गया। वरुण भी उसके साथ था। वरुण समय के बदले हुए रूप देख हैरान था। समय इस वक्त बिल्कुल पहले वाले समय की तरह बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। समय बिल्कुल शांत होके अपना काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। उसे देख पता लगना मुश्किल है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वरुण उसे बदले रूप को देख अभी तक सोकत में था। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उनकी कार थोड़ी देर में मल्होत्रा ऑफिस के बाहर आके रुकी। समय लैपटॉप बंद कर वरुण के गोद में रख अपनी आंखों पर गोगल्स चरा के कार से बाहर निकला। उसके पीछे वरुण भी उसका लैपटॉप लेके बाहर आया। समय ने अभी एक कदम ऑफिस में रखा ही था कि उसका फोन रिंग किया। समय फोन रिंग की आवाज सुन वही रुक गया। उसने जेब से फोन निकाल जैसे ही स्क्रीन पर देखा उसकी छोटी हो गई क्योंकि स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आ रहा था। उस पर कोई नंबर नाम नहीं दिख रहा था सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा हुआ दिख रहा था। समय कुछ देर फोन को ऐसे ही घूरता रहा। वरुण भी उसके फोन पर प्राइवेट नंबर देख हैरान था। वरुण समय की ओर देख बोला फोन उठा ले कहीं ये कॉल क्यूटी के लिए ना हो। कॉल उठा के स्पीकर पर रखना। समय कुछ देर उस नंबर को देख कॉल पिक कर स्पीकर पर किया। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आए। समय ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों ओर खामोशी थी। समय आखिर में चुप्पी तोड़ हेलो दूसरी ओर से आदमी के आवाज आई हेलो मिस्टर मल्होत्रा। समय उसके मुंह से अपना नाम सुन हुआ ये मेरा नाम कैसे जानते हो। आदमी की आवाज आई नाम पता एड्रेस सब मैसेज कर दूंगा। पहले जो जरूरी बात कहने के लिए फोन किया है वो तो सुन लो। समय आंखें छोटी कर कैसी बात। आदमी तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब से 10 मिनट पहले इंडिया के लिए निकल चुकी है। समय उसकी बात सुन अभी भी बिल्कुल शांत था लेकिन उसके हाथों की मुठिया कस चुकी थी। फोन पर उसकी पकड़ से ही पता चल सकता है कि ये बात से उसके अंदर क्या चल रहा होगा। वरुण भी उसकी बात सुन सोकत था। समय आखिर में चुप्पी तोड़ हेलो दूसरी ओर से आदमी के आवाज आई हेलो मिस्टर मल्होत्रा। समय उसके मुंह से अपना नाम सुन हुआ यू मेरा नाम कैसे जानते हो। आदमी की आवाज आई नाम पता एड्रेस सब मैसेज कर दूंगा। पहले जो जरूरी बात कहने के लिए फोन किया है वो तो सुन लो। समय आंखें छोटी कर कैसी बात। आदमी तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब से 10 मिनट पहले इंडिया के लिए निकल चुकी है। समय उसकी बात सुन अभी भी बिल्कुल शांत था लेकिन उसके हाथों की मुठिया कस चुकी थी। फोन पर उसकी पकड़ से ही पता चल सकता है कि ये बात से उसके अंदर क्या चल रहा होगा। वरुण भी उसकी बात सुन सोकत था। आदमी ने फिर से कहा सर ने आपको सिर्फ इतना बताने को कहा था कि आपके साथ उनकी जो मीटिंग यहाँ होने वाली थी वो अब मुंबई में होगी। समय गुस्से में दांत पीस के तेरा सर जो कोई भी है उसे बता दे। उसने शेर के मुंह में हाथ डाल के अपनी मौत बुलाई है। मुझसे मेरा बिजनेस छिनते तो एक बार के लिए माफ भी कर देते लेकिन तुमने मेरी जिंदगी पर हाथ रखा है। बता देना अपने बॉस को आ रहा हूँ उसकी बर्बादी लिखने। समय की गुस्से वाली आवाज सुन उधर से दूसरे आदमी की हंसने की आवाज आई। वरुण दूसरे आदमी की हंसी सुन गुस्से में चिल्ला के बोल अब तू कौन है बे। अपनी घटिया हंसी काबू में रख ले और
जाके अपने उस बोस को बोल दे अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई तो और तेरे उस बोस की सांसें निकाल लूंगा। उसकी बात सुन दूसरे आदमी की हंसी एक पल में रुक गई। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली आदमी को। या और नहीं अविरन है, वरुण ने आगे कहा। मेरी बहन कहा है? मुझे मेरी बहन चाहिए। अविरन, अगर अपनी बहन की इतनी ही फिक्र थी तो इस जैसे धोखेबाज इंसान के हाथ में उस मासूम का हाथ क्यों दिया? जी से एक मासूम लड़की तक संभाली नहीं गई, और जब पता है कि वो कहीं चली गई है तो उसे ढूंढने की बजाय उसे अपने ऑफिस की फिक्र है। ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बहन देके तुमने सही नहीं किया। समय उसकी बात सुन गुस्से में जबान संभाल के बात कर जानता नहीं किसके आगे आवाज उठा रहा है। अविरन उसी टोन में, अच्छे से जानता हूँ तू कौन है और क्या है, तुझ जैसे आदमी से कैसे बात करनी चाहिए मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मुझे तुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने यहाँ सिर्फ उसके भाई राहुल वर्मा और वरुण मित्तल को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है। वो दोनों इसके भाई है और मैं एक भाई की फीलिंग अच्छे से समझ सकता हूँ। आखिर में भी एक भाई हूँ, मुझे अच्छे से पता है जब अपने छोटे भाई या बहन ऐसे बिना बताए कहीं चला जाए तो कैसा लगता है। इसलिए बता दो, तुम्हारी बहन यही है और सेफ है। मुझे वो कल रात रास्ते पर बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। कल रात जब उसे होश आया तो उसे संभालने में तुम लोगों का पता नहीं लगा पाया, लेकिन जब पता किया तो मुझे सारी बात पता चली। मेरे विला का एड्रेस भेज दिया है, यहाँ आ जाओ। मैंने अभी तक उसे कहीं नहीं भेजा, लेकिन आने से पहले एक बात याद रख लेना, वो अगर अपनी मर्जी से तुम लोगों के साथ जाना चाहेगी तभी मैं उसे जाने दूंगा, वरना नहीं। तुम लोगों होगे यहाँ के किंग, मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। तुम्हारी बहन के साथ मेरे दोनों छोटे भाई काफी अटैच हो गए हो, उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अविरन इतना बोल कॉल काट दिया। रवि अविरन की बात से काफी सोकत था। उसने अविरन की ओर देख कहा, सर आपने तो कहा था आप उसे इंडिया भेजोगे, फिर आपने प्लेन चेंज क्यों किया? क्योंकि वो मेरे प्लेन का हिस्सा कभी थी ही नहीं। मैं डेविल जरूर हूँ, लेकिन किसी मासूम का इस्तेमाल करना मेरी फितरत में नहीं है। अविरन ने आंखें बंद कर अपना सर सोफे पर टिका के कहा। रवि, लेकिन सर इसमें अव्योम व्योम का क्या होगा? वो दोनों उस लड़की से काफी अटैच हो चुके हैं, वो तो उसको बिना एक पल भी नहीं छोड़ रहे। अविरन अपने भाई का जिक्र सुन तुरंत अपनी आंखें खोली। रवि अविरन को देख, सर मुझे लगता है आपने गलती कर दी। उनको बता के वो समय मल्होत्रा काफी तेरा इंसान है, वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता, वो उस लड़की को अपने साथ कैसे भी ले जाएगा। रवि ने इतना ही कहा था कि कुछ गिरने की आवाज आई। गिरने की आवाज सुन अविरन रवि की नजरें उस ओर चली गई। दोनों दरवाजे पर खड़े लोगों को देख सोकद रह गए। अविरन दरवाजे पर अपने दोनों भाई को देख सोकद होके अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अव्योम के हाथ में जो खाने की ट्रे थी वो गिरी थी। दोनों सोकद होके अविरन की ओर देख रहे थे। अविरन उनकी ओर कदम बढ़ा के बोला, देखो अव्योम व्योम मेरी बात सुनो। दोनों अपने कदम पीछे लेते हुए ना में सर हिलाने लगे। व्योम गुस्से में बोला, नहीं भाई आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अव्योम भी गुस्से में बोला, क्यों भाई आपने ऐसा क्यों किया? क्यों उनको बताया? आप जानते हो ना बीबी गल नहीं जाना चाहती, फिर अभी आपने उनको बता दिया, क्यों आखिर क्यों आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? व्योम नम आवाज में, हमें पता है भाई आपको लड़कियों से नफरत है, लेकिन बेबी ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, वो बाकी लड़कियों की तरह आपके पैसों के पीछे नहीं पड़ेगी, वो तो एक चॉकलेट में भी खुश हो जाती है, उसने तो खुद कहा था उसे वहां नहीं जाना, फिर भी आपने ये सब किया तो आगे क्या होने वाला है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारा तो चलिए शुरू करते हैं। अविरन दोनों की बात सुन उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए उनको समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो छोटे तुम
दोनों अभी छोटे हो, तुम हालत को नहीं समझ रहे। उस लड़की का अपना एक परिवार है, उनके दो भाई है, एक लड़का है जो इसे प्यार करता है, वो किसी और की है। उसके भाइयों को अपनी बहन की फिक्र हो रही होगी। उनका ये जानने का पूरा हक है कि उनकी बहन कहाँ है सिर्फ, इसलिए मैंने उनको बताया। व्योम उसकी बात सुन चिल्ला के बोला, तो आपने उनको बता दिया बिना ये जाने कि हमारा क्या होगा? अगर उसे कोई और प्यार करता है तो उसे उसका ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे रास्ते पर मरने के लिए नहीं छोड़ना था। अव्योम व्योम के कंधे पर हाथ रख वीरन से, भाई आपने ये सही नहीं किया, बेबी गर्ल ने खुद कहा था उसने उसे छोड़ दिया तो फिर आपने उसे क्यों बताया? हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे व्योम, हम बेबी गर्ल को खुद से दूर नहीं होने देंगे, हम उसे लेके आपसे उनसे सबसे बहुत बहुत दूर चले जाएंगे जहां आप लोग हमें उसे अलग ना कर पाओ। अविरन उनके दूर जाने वाली बात सुन गुस्से में चिल्ला के बोला, व्योम तुम दोनों ने एक और बार मुझसे दूर जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। व्योम अपनी आंखों से निकल रहे आंसू पोछे के बोला, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, आप कभी हमें नहीं समझ पाए, हमारी खुशी दुख से आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बचपन से सिर्फ खुद से प्यार करते हो, आपको हर बात में अपना प्रॉफिट दिखता है। व्योम रोते हुए, आपको तो हमारी पसंद ना पसंद के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ पैसे देने से, महंगी चीजें देने से जरूरत पूरी नहीं होती। हमें आपके पैसे कार कपड़ों की जरूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ आपका प्यार आपका वक्त चाहिए था। हम आपके पास सिर्फ पैसों के लिए चीजों के लिए नहीं आते थे, हम आपके साथ थोड़ा टाइम बिता सके इसलिए आते थे, ताकि आप पैसे देने के बहाने ही सही हमें कुछ वक्त दे सको, लेकिन आपने वो वक्त भी छीन लिया ये कार्ड देके। व्योम ने जेब से कार्ड निकाल के कहा। व्योम ने भी अपनी जेब से कार्ड निकाले, भाई आप पैसे नाम कमाने इतने बिज हो गए कि हमें भाई का प्यार देना ही भूल गए। व्योम भाई आपने तो वादा किया था आप हमें मोमदेद का प्यार दोगे, लेकिन आप तो एक भरे भाई का भी प्यार नहीं दे पाए। व्योम आपने सिर्फ हमारे हाथ में ये कार्ड पका दिए और सोचा हम इसे अपनी खुशियां खरीद लेंगे। व्योम कार्ड नीचे फेंक के बोला, इस कार्ड से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन प्यार नहीं। व्योम अपनी लाल हो चुकी आंखों से अविरन की आंखों में देख कहा, आपको पता है भाई हम बेबी गर्ल से एक रात में इतने अटैच क्यों हो गए? क्योंकि उसने हमें वो अपनापन प्यार दिया, कल रात हमें कहानी सुनाए, अपने हाथों से खाना खिलाया जो आपने इतना 15 सालों में एक बार नहीं किया। अविरन अपने दोनों भाई की बात सुन उसकी आंखें नम हो गई। व्योम व्योम पीछे जाते जाते दरवाजे के बाहर निकल गए। व्योम एक नजर अविरन को देख, गुड बाय भाई, अब कभी नहीं मिलेंगे। अविरन कुछ समझ पाता उसे पहले दोनों दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गए। अविरन जब तक दरवाजे के पास पहुंच पाता लो दोनों दरवाजा बंद कर भाग गए। अविरन रवि दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, अपने भाई को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे में ही रह गई। अविरन रवि को देख, जल्दी कुछ कर इसे खुलवा। रवि ने तुरंत बाहर खड़े अपने गादोस में से एक आदमी को कॉल लगा के, जल्दी आके बोस के रूम का दरवाजा खोलो। लेकिन वो आके दरवाजा खोल पाता उसे पहले उनको चोपर की आवाज आई। चोपर की आवाज सुन अविरन रवि दोनों सोकत हो गए। अविरन दरवाजे का हैंडल गोल गोल घुमा के हड़बड़ा के, नो नो नो, खोलो इसे, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। दोनों दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगे, तब तक बाहर से आदमी ने आके दरवाजा खोल दिया। अविरन बाहर निकल तुरंत टेरिस की ओर भागा, रवि भी उसके पीछे भागा। दोनों टेरिस पर पहुंच पाते उसे पहले काफी देर हो चुकी थी, चोपर हवा में उड़ चुका था। अविरन नीचे से आवाज लगाता रहा। रवि परेशान होके अविरन के पास आके, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अविरन अपनी लाल आंखों से उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा, जैसे बोलना चाहता हो कि उसके भाई उसके छोड़ के चले गए, उसे बड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रवि उसकी आंखें देख सर झुका के बोला, सॉरी बोस, लेकिन बात बड़ी है, छोटे सर बिना पायलट के चोपर खुद उड़ा के गए हैं, उन्होंने उड़ान लेने से पहले टेक ऑफ का सिग्नल भी नहीं भेजा, साथ वो उस लड़की को भी लेके गए।
अविरन ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो सोकत हो गया। उसके कदम लटका गए। उसकी नजरें आसमान में थी जहां अभी भी चोपर दिख रहा था। अविरन चोपर को देख रवि को इंट्रिकेशन देके विला से बाहर निकलते हुए बोला, फौरन एयरपोर्ट को इन्फॉर्मो करो, कोई भी प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। चोपर की सही लोकेशन जल्द से जल्द मुझे चाहिए। चोपर के टेक ऑफ का सिग्नल एयरपोर्ट पर हमारी ओर से भेज दो। उनको बोलो चोपर के टेक ऑफ के बाद हमें पता चला कि उसके सिस्टम में तकनीकी खराबी है। एक बात का ध्यान रहे, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि जो चोपर उड़ा रहे हैं वो बच्चे हैं। डोंट वरी सर, छोटे सरसा को कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, रवि ने कहा। अविरन सीरियस टोन में, कुछ होना भी नहीं चाहिए उन तीनों को, अगर कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एयरपोर्ट को वार्निंग दो, अगर अपनी जान प्यारी हो तो उस चोपर के बीच कोई प्लेन नहीं आना चाहिए। सारे प्लेन को टेक ऑफ से रोको, जब तक चोपर कहीं लैंड नहीं होता तब तक यहाँ कोई भी प्लेन ना ही टेक ऑफ होना चाहिए और ना ही लैंड। रवि अपना सर हिलाके उसके पीछे भागते हुए बोला, सर उनको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है और सिग्नल भी भेज दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है वो यहाँ के प्लेन को तो रोक सकते हैं लेकिन दूसरे शहर दूसरे देश से आने वाले प्लेन को नहीं रोक सकते। जो प्लेन दूसरे देश से टेक ऑफ कर चुका है उसे किसी भी हालत में यहाँ टेक ऑफ कराना होगा, उनमें फ्यूल की कमी है। रवि अपना सर हिलाके उसके पीछे भागते हुए बोला, सर उनको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है और सिग्नल भी भेज दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है वो यहाँ के प्लेन को तो रोक सकते हैं लेकिन दूसरे शहर दूसरे देश से आने वाले प्लेन को नहीं रोक सकते। जो प्लेन दूसरे देश से टेक ऑफ कर चुका है उसे किसी भी हालत में यहाँ टेक ऑफ कराना होगा, उनमें फ्यूल की कमी है। चोपर का पायलट जो कब से खामोश था उसने हिम्मत कर अविरन के आगे सर झुका के बोला, सर एक बात अच्छी है और एक बुरी, हमारे टेक ऑफ में अभी 30 मिनट का वक्त था। छोटे सर ने उनसे पहले टेक ऑफ किया है, अगर वो लोग इंडिया के लिए निकले होंगे तो उनको दो प्रॉब्लम हो सकती है। अविरन पायलट की बात सुन गुस्से में उसका गला पकड़ अपनी लाल आंखों से उसे देख चिल्ला के बोला, कने ये सब तेरे कारण हुआ है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे चोपर को खुला छोड़ने को किसने कहा था कने? तेरी बेवकूफी की वजह से मेरे भाई मुसीबत में फंसे हैं। तुझे किसने चोपर से दूर जाने को कहा था? मैंने तुझे सिर्फ चोपर लाने को बोला था, ना कि उसे छोड़ यहाँ वहाँ टहलने को। अविरन के गला पकड़ने से पायलट जो कहना चाहता था उसकी आवाज गले में ही अटक गई। पायलट अपना गला छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। अविरन की पकड़ काफी कसी हुई थी। पायलट कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रवि पायलट की हालत देख अविरन से कहा, सर सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए, हमें अभी छोटे सर को बचाने जाना है। आप इसे बाद में अभी मार सकते हैं, पहले ये क्या बोलना चाहता है ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अविरन रवि की बात सुन एक झटके में पायलट का गला छोड़ दिया। पायलट जोर जोर से खांसते हुए बोला, सर सर आप मुझे मारना चाहो तो मार देना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पायलट खांसते हुए बोला, चोपर में आधा ही फ्यूल है इसलिए चोपर अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता। उसकी बात सुन रवि अविरन ने राहत की सांस ली। रवि ने अविरन से कहा, सर ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। पायलट ने दोबारा कहा, सर ये तो अच्छी बात है लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। अविरन उसे घूर के, क्या प्रॉब्लम जल्दी बोल। पायलट डरते हुए बोला, सर आपके भाई ओ को चोपर उड़ाना ठीक से नहीं आता, उन्होंने आपके कहने पर ट्रेनिंग ज्वाइन जरूर की थी लेकिन उन्होंने चोपर को सिर्फ एक या दो बार हाथ लगाया था, उनको चोपर के सिस्टम तक के बारे में पता नहीं है। रवि हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तो फिर उन्होंने चोपर शुरू कैसे किया? चोपर स्टार्ट करना तो आसान है लेकिन उसे कंट्रोल करना, उसकी दिशा का पता करना, उसे लैंड करना बहुत मुश्किल है। व्योम सर को चोपर स्टार करना आता है लेकिन लैंड करना नहीं आता, पायलट ने डरते हुए कहा। अविरन उसकी बात सुन विला से बाहर की ओर भागा। रवि उसके पीछे जाने से पहले पायलट को गुस्से में घूर के बोला, अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। अविरन विला के बाहर जैसे ही निकला सामने आ रहे इंसान को देख उसकी आंखें छोटी हो गई।
अविरन सामने से आ रहे आदमियों को देख अपनी जगह पर रुक गया। समय अविरन के सामने खड़ा होके अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोला, मेरी बटरफ्लाई कहा है? अविरन, कौन बटरफ्लाई? वरुण राहुल एक साथ बोले, हमारी बहन कहा है? अविरन समय वरुण राहुल को देख थोड़ी देर के लिए चुप रहा। अविरन ने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर तीनों देख के कहा, तुम्हारी बटरफ्लाई और तुम दोनों की बहन आसमान में है, अगर अभी तुम तीनों ने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। समय उसकी बात सुन अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था, वो किसी भी वक्त बाहर आने वाला था। वरुण राहुल उसकी बात सुन एक दूसरे को देखने लगे। समय ने गुस्से में अविरन का कॉलर पकड़ के उसके चेहरे के सामने जाके बोला, कने तू कहना क्या चाहता है? कहा है मेरी बटरफ्लाई क्या किया तुमने उसके साथ? रवि पीछे से आते हुए बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कॉलर छोड़ो, तुम्हारी लड़की को इनके भाई अपने साथ चोपा में लेके चले गए, वो दोनों अभी सिर्फ 19 साल के बच्चे हैं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो चोपा देख तुम्हारी लड़की को घुमाने लेके गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको चोपा उड़ाना नहीं आता, वो दोनों नादानी में चोपा लेके खड़े हैं, इसलिए यहाँ खड़े होके एक दूसरे को गला पकड़ने से अच्छा है उसका पीछा करो वरना। रवि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रवि ने आधी बात सच बोली थी और आधी झूठ, जिसे कोई और समझे ना समझे अविरन समझ गया था। समय राहुल वरुण उसकी बात सुन सोकत हो गए। समय बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागा, जेब से फोन निकाल, मैंने एक लोकेशन भेजी है, यहाँ से एक चोपर निकला है, जल्द से जल्द उसकी लोकेशन पता करो मुझे, वो चोपर जहाँ जा रहा है उसकी सारी लाइव इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। राहुल वरुण भी उसके पीछे भागे, दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखा दे रही थी। समय का असिस्टेंट मिहिर भी उनके साथ था। समय मिहिर को ऑर्डर देके फौरन यहाँ लैंड होने वाली सारी फ्लाइट को केपटाउन एयरपोर्ट पर शिफ्ट करो, यहाँ के एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन लैंड नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ से कोई टेक ऑफ होना चाहिए। मिहिर अपना सर हिलाके, जी भाई। समय तुरंत जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, उसके बगल वाली सीट पर अविरन आके बैठ गया। समय अविरन को खा जाने वाली नजरों से देख गुस्से में बोला, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है? अविरन सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, उस चोपर में मेरे भाई भी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे अपने भाई सही सलामत चाहिए। समय उसे ज्यादा बेहेश ना कर गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया, उसके पीछे राहुल वरुण रवि मिहिर भी अपनी अपनी कार लेके निकल गए। यहाँ सब परेशान होके उनके पीछे भाग रहे थे, वही ऊपर चोपर में तीनों मजे कर रहे थे, व्योम व्योम चोपर में आगे वाली सीट पर थे, पीछे तापसी बेदी हुई थी, व्योम ने चोपर को टेक ऑफ किया था, व्योम सिर्फ उसके पास बैठा हुआ था, उसे चोपर को चलना नहीं आता, वो जो मन में आ रहा था वो बटन दबा रहा था। तापसी नीचे देख काफी खुश हो रही थी, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, वो पहली बार चोपर में बेदी हुई थी। व्योम व्योम उसके मुस्कुराते चेहरे को देख काफी खुश थे, दोनों को उसके चेहरे पर स्माइल देख अच्छा लग रहा था, अपने भाई पर जो गुस्सा था वो भी तापसी की मुस्कुराहट ने गायब कर दिया। तापसी नीचे देखते हुए चहकती आवाज बोली, यहाँ से सब कितना छोटा दिखता है, सब इतू साह दिख रहा है, मैं अब रोज इसमें घूमने जाओगी, तुम दोनों मुझे इसमें घुमाओगे ना? व्योम उसकी मीठी सी बात सुन पीछे देख बोला, हाँ बिल्कुल, हमारी बेबी गर्ल जब चाहेगी तब हम तुम्हें इसमें घुमाने ले जाएगा, आप दोनों बहुत अच्छे हो, मैं डेविड से बोलूंगी, वो आपको हमारे साथ रख ले, वो मेरी तापसी मासूमियत से बोलते रुक गई, उसका मुस्कुराता चेहरा उदास हो गया। अव्योम व्योम उसके मुंह से डेविड सुन एक दूसरे को देखने लगे। व्योम ने उसे बोलते बोलते रुकते देखा तो पूछा, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम चुप क्यों हो गई? अव्योम उसके चेहरे की उदासी देख, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम उदास क्यों हो गई? तापसी समय को याद कर उदास होके बोली, मुझे डेविड की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अव्योम व्योम उसके जाने वाली बात सुन दोनों एक साथ चिल्ला के बोले, नहीं तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती, क्यों मैं डेविड के पास क्यों नहीं जा सकती, मुझे डेविड के पास जाना है, मुझे डेविड के पास जाना है, तापसी मुंह फुला के जिद करते हुए बोली।
दोनों उसे जिद करता देख रोता देख परेशान हो गए। तापसी जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख व्योम व्योम घबरा गए। व्योम उसे चुप कराने के लिए चालू चोपा में आगे से पीछे चला गया, जिसे चोपा का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। चोपा में रेड लाइट ऑन हो गई। अव्योम चोपा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तापसी चोपा को हिलता देख घबरा गई वो और रोने लगी। व्योम ने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया। दर्द तो दोनों को भी लग रहा था, लेकिन इस वक्त तापसी को संभालना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तापसी डरते हुए व्योम की सट को कसके पकड़ के डेविड डेविड बोलने लगी। व्योम उसे एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से चोपा का सीट बेल्ट निकाल तापसी को लगाते हुए व्योम से बोला, भाई आप क्या कर रहे हो? चोपा को कंट्रोल कीजिए, बेबी गर्ल डर रही है और मुझे भी डर लग रहा है। अव्योम चोपा में लगे सारे बट को लगातार प्रेस करते हुए घबराए हुए बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। ऐसे कैसे नहीं हो रहा? आप तो बोलते थे आपको चोपा उड़ाना आता है, फिर इसे कंट्रोल करना क्यों नहीं आता? जल्दी कंट्रोल करो भाई, व्योम तापसी को कसके पकड़ते हुए बोला। तापसी व्योम के सीने से लग डरते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी, मुझे डेविड के पास जाना है, मुझे डेविड के पास जाना है। डेविड कहा हो? मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अव्योम बात संभालने की कोशिश करते हुए बोला, बेबी गर्ल डरो मत, हम है ना आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज आप चुप हो जाओ। डरो मत, हम तो मुंबई जा रहे हैं, वहां तुम हमारे साथ कॉलेज जाओगी, पढ़ाई करोगी, सब ठीक है। तापसी उसकी बात सुन तेज रोते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे डेविड के पास जाना है। व्योम अपना सर हिला के उसे कसके पकड़ बोला, ठीक है हम तुम्हें तुम्हारे डेविड के पास ले चलेंगे, प्लीज चुप हो जाओ। भाई कुछ कीजिए, मुझे भी डर लग रहा है, व्योम ने डरते हुए अव्योम से कहा। इस बार अव्योम भी डरा हुआ था, उसे भी डर लग रहा था। चोपा बुरी तरह हिलने लगा, उसमें एक साथ रेड ग्रीन येलो तीनों लाइट चालू बन होने लगी। वो लोग जमीन से काफी ऊंचाई पर थे। अव्योम ने चोपा को उसकी लिमिट से काफी ऊपर उड़ाया था, जहां कुछ वक्त पहले तापसी को ऊंचाई से सब कुछ सुंदर लग रहा था, वही अब उसे उसी ऊंचाई से डर लग रहा था। चोपा तेजी से नीचे जा रहा था। चोपा बिच बिच में गोल गोल घूम रहा था। तापसी कसके व्योम की सट को पकड़ जोर जोर से समय को आवाज लगाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, डेविड डेविड डेविड। तापसी लगातार समय को याद कर रही थी। अव्योम व्योम भी डरते हुए अंदर ही अंदर अपनी बेवकूफी पर रो रहे थे। वो बाहर से रोना चाहते थे, चिल्लाना चाहते, लेकिन कर नहीं सकते थे, क्योंकि तापसी उनके साथ थी जो पहले से डरी हुई थी। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, अपनी बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था। अब उसे अपने भाई की वैल्यू का एहसास हो रहा था। दोनों मन ही मन अविरन को याद करने लगे। व्योम मन में रोते हुए भाई कहा हो, आप प्लीज मुझे बचा लो, मैं अब कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आपकी सारी बात मानूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज भाई हमें बचा लो। अव्योम रोते हुए भाई आप कहा हो, हमें आपकी जरूरत है, प्लीज हमें बचाने आ जाओ, प्लीज भाई आ जाओ, मैं आपसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, आप जो बोलोगे सब मानूंगा, अपनी ट्रेनिंग भी दिल से करूंगा, कुछ भी मिस नहीं करूंगा। अब ये उनकी किस्मत बोलो, प्यार बोलो या भाई का लगाव बोलो, जो उनके मन की आवाज भी आसमान से उनके भाई तक पहुंच गई। तीनों आंखें बंद कर रो रहे थे कि उनको दूसरे चोपा की आवाज आई। व्योम व्योम दूसरे चोपा की आवाज सुन तुरंत बाहर देखने लगे। तापसी भी डरी हुई नजरों से बाहर देखने लगी। एक चोपा उनके चोपा के गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उस चोपा को देख व्योम व्योम के चेहरे पर डर भरी स्माइल आ गई। तापसी भी उसे देख रोते हुए हाथ दिखाने लगी। दोनों भी इस वक्त तापसी जीतने ही डरे हुए थे। दोनों ने भी मन ही मन अविरन को आवाज लगाई थी। व्योम चोप को देख अपनी साइट का डोर ओपन कर जोर से चिल्लाया, भाई। दोनों भी इस वक्त तापसी जीतने ही डरे हुए थे। दोनों ने भी मन ही मन अविरन को आवाज लगाई थी। व्योम चोप को देख अपनी साइट का डोर ओपन कर जोर से चिल्लाया, भाई। चोपा का दरवाजा खोलते ही तेज हवा अंदर आने लगी। तापसी इतनी तेज हवा से डर के व्योम की सट को और कस के पकड़ ली। उसके चिल्लाने की आवाज तो उस चोपा तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन एहसास जरूर पहुंच गया था।
दूसरा चोपा किसी और का नहीं समय का था, जिसमें समय वरुण राहुल आए हुए थे चोपा में आगे पायलट के साथ। राहुल था पीछे, अविरन समय थे, उनके चोपा का दौर भी खुला हुआ था। तापसी दूर से ही समय को देख रोते हुए हाथ फैला के आवाज लगाने लगी, डेविड डेविड डेविड। समय का चोपा उनके चोपा से थोड़ी दूरी पर था, उनको उनकी आवाज तो नहीं सुना दे रही थी, लेकिन उन तीनों के चेहरे देख पता लग चुका था कि वो तीनों कितने डरे हुए हैं। उनके चोपा के बीच की दूरी भी जरूरी थी। समय के हाथ में दूरबीन थी, जिसे वो तापसी के डरे हुए चेहरे को देख सकता था। उसकी रोने से लाल हो चुकी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर दर्द सूखे हुए होंठ, उसे किसी और की बाहों में देख समय ने गुस्से में हाथ की मुट्ठी कस ली। समय उसे किसी और की बाहों में देख अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने उसे देखते हुए गुस्से में दांत पीस के मन में कहा, इस गलती की सजा तुम्हें बहुत दर्द देगी बटरफ्लाई, बहुत दर्द जिसकी लिमटी शुरू भी मुझसे होगी और अंत भी तुम खुद उस दर्द से तरपोगी। जितना तुमने मुझे तरपाया है उतना तुम भी तरपोगी, सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ बटरफ्लाई, आई प्रोमिस तुम्हारे दोनों पर काट के हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद ना कर दिया तो मेरा नाम भी समय मल्होत्रा नहीं। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, समय ने अजीब तरीके से गर्दन पर हाथ फिरा के बोला, तुम्हारी ये गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी की सजा बनने वाली है। वेट एंड वॉच, तुम अब एक ऐसे पिंजरे में कैद करने वाली है जहाँ से भागना तो दूर, वहां से निकलने के नाम से भी तुम्हारी रूह कांपेगी। बहुत शोक है ना तुम्हें किसी गैर मदर के करीब जाने का, अब तुम्हें बताऊंगा समय मल्होत्रा क्या चीज है। क्यों दुनिया उसे काली दुनिया का किंग कहती है, अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे खौफ भी खौफ खाता है। समय इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, उसे व्योम का तापसी को अपने सीने में भरना और गुस्सा दिला रहा था। वो जितना उसे देख रहा था उतना उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो अपने गुस्से को काबू करने के लिए बार बार अपने बालों से गर्दन तक हाथ फेर रहा था। इस वक्त अगर कोई उसे इस रूप में देख लेते तो डर से वहीं अपनी जान दे दे। तापसी अगर समय को ऐसे देख लेती तो शायद वो उसके पास आने की जगह उसे दूर जाने की कोशिश करती। इस वक्त समय की आंखों में आग जल रही थी, उसके गले हाथ की नशे दिखने लगी, उसका ओरा डाक हो गया, उसके गुस्से की आग आने वाले महातूफान का रेड सिग्नल दे रही थी। ये तूफान तापसी की बची हुई जिंदगी भी नर्क बनाने वाला था। अब वो कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा, कैसे तापसी समय के गुस्से को जलेगी वो आपको आगे पता चलेगा। कहानी में आगे दूसरे चोपा में तीनों के चेहरे पर डर भी था और खुशी भी, खुशी अविरन समय के आने की थी तो डर अभी भी चोपा के हिलने से था। तापसी अभी भी व्योम से चिपकी हुए रो रही थी। अविरन दूसरे चोपा से अपने हाथ में माइक पकड़े अपने भाई के डरे हुए चेहरे को देख रहा था। अविरन के हाथ में एक माइक था जो चोपा के साथ कनेक्ट था, जिसे वो लोग अपनी आवाज उन तक पहुँचा सकते है। अविरन माइक में से अव्योम व्योम को आवाज लगा के बोला, अभी व्यू दरो मत, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम यही है, तुम तीनों को कुछ नहीं होने देंगे। अव्योम व्योम अपने भाई की आवाज सुन जोर जोर चिल्लाने लगे। अव्योम अपने दोनों हाथ हिला के, भाई भाई हमें बचा लो, भाई 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 हमें बचा लो। व्योम तापसी को एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ को हिला के, भाई हमें बचा लो, प्लीज भाई हमें बचा लो। उन दोनों की आवाज तो अविरन तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उनके हाथ हिलाने से उनके हिलते होठों से पता चल रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। राहुल अविरन को देख अपने भाई को शांत करना छोड़ और उसे बोल की चोपा में सेफ्टी बटन ऑन करे, जिसे चोपा कुछ देर के लिए हिलना बंद करेगा, तब तक हम उनको वहां से बचाने का रास्ता निकालते हैं। अविरन उसकी बात सुन उसे घूर के बोला, मुझे पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है, वो दोनों मेरे भाई है, मुझे उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें अपनी बहन की है। वो तीनों वहां काफी डरे हुए हैं इस वक्त, उनको पहले शांत करना जरूरी है, इसलिए मुझे मेरा काम करने दे। अविरन अपने भाई ओ की ओर देख, अभी मेरी बात सुन, शांत हो जा, हम तुम तीनों को बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देगे, अपने भाई पर भरोसा रख, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, शांत हो जाओ।
समय अविरन के हाथ से माइक छिनके बटरफ्लाई। तापसी ने जैसे ही समय की आवाज सुनी वो एक पल में शांत हो गई, उसका रोना बंद हो गया। समय ने आगे कहा, बटरफ्लाई चुप हो जाओ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी बटरफ्लाई को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, अब शांत हो जाओ और उसे अलग होके बैठ जाओ। समय ने अलग होने वाली बात पर जोर दे के कहा। तापसी समय की आवाज सुन तुरंत चुप हो गई, वो बिना देर किए व्योम से अलग हो गई, उसे थोड़ी दूरी बना के बैठ गई। उसे अभी भी डर लग रहा था क्योंकि चोपर अभी भी हिल रहा था, लेकिन उसका डर चोपर से हटके समय पर शिफ्ट हो गया था। समय की आवाज में गुस्सा साफ दिख रहा था, जिसे तापसी अच्छे से समझ चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस वक्त समय से लग रहा था। समय तापसी को व्योम से अलग देख उसका गुस्सा थोड़ा ही सही कम हुआ, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थी। अविरन व्योम से बात कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो लोग चोपर को कंट्रोल कर सके। व्योम भी अविरन से बात कर रो रहा था। व्योम ने अपने भाई की बात सुन चोपर में सेफ्टी बटन ऑन किया, बाकी जो भी उसने बटन दबाए थे उसे ठीक करने की कोशिश की। कुछ बटन ठीक हुए और कुछ नहीं। चोपर थोड़ी देर के लिए ही सही हिलना बंद हो गया, जिसे तीनों ने राहत की सांस ली। चोपर ऑटोमोड पर स्थिर हुआ था। समय के चोपर में सब उनको वहां से निकालने के प्लेन बनाने लगे। राहुल अविरन ने कुछ आइडिया भी दिए, लेकिन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रही थी। चोपर के पायलट ने उन प्लेन को सुन के समय से कहा, बोस इनके दोनों प्लेन में रिस्क ज्यादा है, हम अगर उनको पैराशूट देके कूदने को बोल भी देंगे तो क्या गारंटी वो कूदने के बाद उसे खोल भी पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क मैडम के लिए है, वो इतनी ऊंचाई से कूद पाएगी या नहीं, और वो दोनों लड़के भी अभी बच्चे हैं, अगर वो दोनों कूद के डर गए या फिर बेहोश हो गए तो। अविरन पायलट की बात सुन तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं इस प्लेन को कोई यूज नहीं करेगे, मैं अपने दोनों भाई को नहीं खो सकता, वो दोनों मेरी जान है, मेरे जीने की वजह है, उन दोनों को कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरे होते हुए मेरे भाइयों को कुछ नहीं होगा। राहुल अविरन की बात सुन समय की ओर देख, मेरे पास यही एक प्लेन था जिसमें उन तीनों को बचाया जा सकता है। हाँ इसमें रिस्क है, लेकिन मेरे पास इसे अच्छा दूसरा प्लेन नहीं है। राहुल अविरन को देख, अगर तुम चाहो तो अपना प्लेन यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें मेरे प्लेन से डबल रिस्क है। अगर हम तेरे प्लेन को शुरू भी करें, अपना चोपर उनके चोपर के नीचे ले भी जाए तो क्या गारंटी कि वो सही जगह जंप कर पाएंगे, और क्या गारंटी कि वो जब अपने चोपर से जंप करेंगे तो हम उनको कैच कर पाएंगे। अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो गई तो वो सीधा नीचे गिरेंगे, इसमें मेरे प्लेन से डबल रिस्क है, एक तो गिर ने का साथ पकड़ ना पाने का, और दूसरा अगर उनका जंप थोड़ा भी हिला तो वो चोपर के ऊपर के हिस्से लगेंगे और दोनों ही सिचुएशन में उनकी मौत होना तय है। अब समय तू ही बता, इन दोनों प्लेन में किसका प्लेन ज्यादा सेफ है। अविरन को राहुल की बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी, लेकिन उनके पास इन ऑप्शन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक ऑपरेशन में मौत होने के चांस 30% है तो दूसरे में 40%, दोनों ही बात उनके जंप करने पर डिपेंड करती है, जिसमें दोनों ही चीजें रिस्क से भरी है। अगर उस चोपर में वो लोग होते तो प्लेन ए चूज करते, क्योंकि वो लोग इन सबके लिए ट्रेन है, लेकिन वहां जो है वो इन सबके लिए ट्रेन नहीं है। पायलट टाइम देखते हुए बोला, बोस जल्दी कुछ सोचिए, हमारे पास टाइम कम है, वो चोपर ज्यादा देर स्थिर नहीं रे सकता, जल्द से जल्द हमें उनको बचाना होगा। समय तीनों की बात सुन कुछ सोच के उनको एक प्लेन बताया, जिसे सुन राहुल अविरन थोड़ी देर उसके बारे में सोचने लगे। उनको समय का प्लेन सुन कहीं ना कहीं उनके प्लेन से सही लगा। अविरन राहुल पायलट तीनों ही उसमें सहमत हो गए, उनको समय का प्लेन अपने प्लेन से ज्यादा सेफ लगा। अविरन समय को देख, में तैयार हूँ। राहुल मैं भी। समय अपना सर हिलाके, तो ठीक है काम शुरू करते हैं, इसके लिए हमें तीन लंबी रस्सी चाहिए जिसे हम प्लेन शुरू कर सके। प्लेन का पहला पार्ट ये सीढ़ियां में नीचे करता हूँ, हम तीनों में से कोई एक उस सीढ़ियों को पकड़ नीचे खड़ा होगा। पैराशूट पहन के अगर गलती से भी किसी का हाथ छूटे या कुछ हो तो वो जंप कर उसे बचा सके। दूसरा हम यहाँ
ऋषि का एक छेरा बांध दूसरा छेरा उन तक पहुँचा येगे जिसे वो लोग वहाँ भी बांध ले। मैं यहाँ से एक साथ दो ऋषि भेजूंगा, पहली वो चोपा के साथ बांधेगे और दूसरी अपने साथ, दूसरी ऋषि उनकी सेफ्टी के लिए होगी, जिसे हम में से एक पकेगा जिसे वो लोग डबल सेफ हो। राहुल मैं नीचे जाऊंगा, अविरन एक ऋषि को मैं होल्ड करूंगा और दूसरी को तू। समय ओके। समय के बताए हुए प्लेन को उन लोगों ने स्टार्ट किया। अविरन ने अव्योम को आगे बैलेंस रखने को कहा, साथ ही उसे पैराशूट पहन को कहा जिसे वो सेफ हो सके। अविरन ने अव्योम को पैराशूट को कब कैसे यूज करना सब समझाया ताकि अगर कुछ भी हो तो वो वहां से जंप कर सके। समय के प्लेन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तापसी व्योम को वहां से निकाला जाएगा, उसके बाद अव्योम को। अव्योम आगे की पायलट सीट पर है, उसे पीछे नहीं बुला सकते क्योंकि वही एक उस चोपर को कंट्रोल कर सकता है। अविरन ने व्योम को समय के प्लेन का एक हिस्सा समझाया जिसे सुन व्योम ने हाथ उठा के हिलाए जिसका मतलब वो तैयार है। समय ने दो से तीन बार ऋषि को उन तक पहुंचाने की कोशिश की, पहली दो बार कोशिश में ऋषि उनसे काफी दूर रही, बाकी कोशिश में ऋषि उन तक पहुंची तो खरी लेकिन व्योम उसे पकड़ नहीं पाया। गाइज इस वीडियो का टारगेट 300 लाइक्स है, सो तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।